पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज यानी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को असरदार बनाने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान सभी नेता चुनाव खत्म लूट चालू के नारे लगाते नजर आए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर दिन पेट्रोल डीजल और अन्य चीजों के दाम अनावश्यक बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम आवश्यक वस्तुओं पर हो रहा है, इसलिए आज हम राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थीं वो किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना बंद करे। पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब हर चीज के दाम बढ़ते हैं। जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम सबसे कम थे तब भी यह सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही थी। 101 रुपए का तेल भराने में 52 रुपए सरकार के पास एक्साइज टैक्स के रूप में जा रहे हैं। काँग्रेस ने तळागाळापासून आज दिल्लीपर्यंत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हे आंदोलनाची सुरुवात आजपासून केलेली आहे। आदरणीय राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही विजय चौकमध्ये ह्याची सुरुवात केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की हा जो आमचा आवाज आहे त्या भिंती ओलांडून आदरणीय नरेंद्र मोदींच्या कानापर्यंत पोचावा आणि त्यांनी जे कान बंद करून घेतलेले सोयीने ते बंद कान उघडावेत त्यांनी। आणि सर्वसामान्य गृहिणीचं पूर्ण बजेट कोलमडलेलं आहे, सिलेंडर 1000 रुपयाच्या वर गेलेलं आहे, पेट्रोल 100 रुपयाच्या वर गेलेलं आहे, भाज्या महागलेल्या आहेत, कपडे महागलेले आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य माणसाला अच्छे दिन तर सोडा पण साधं जीवनसुद्धा साधं जगणंसुद्धा मुश्किल झालेलं आहे। आम्हाला मला असं म्हणायचं की आज ज्या 56 इंच छाती काढून ते म्हणत होते की आम्ही असं करू तसं करू, आज ती 56 इंच छाती कुठे गेली हा आमचा मोदींना सवाल आहे। मात्र राज्यामध्ये काँग्रेस पार्टीचे एमपी उभरमध्ये और देश में हर स्टेट में हर कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।